फर्स्ट तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन उनका ज़्यादातर होता है ज्योतिषीय सूत्र के अनुसार जिनका पांचवा पीड़ित हो, फिफ्थ हाउस, और ज़्यादातर अष्टम भाव, गुह्यस्थान अष्टम भाव, बेड हाउस है, गुप्त हाउस है, मृत्यु स्थान है, गृह स्थान है, गुप्त स्थान है, तंत्र मंत्र का स्थान है, गुप्त विद्या का स्थान है, और पंचम स्थान ज्ञान का स्थान है। सो पंचम नवम, पंचम से चतुर्थ अष्टम, पंचम से नवम और पंचम से पंचम से पंचम नवम हो गया, पंचम पंचम का चतुर्थ अष्टम। पंचम ठीक है तो उसका सुख अष्टम पे मिलेगा। चतुर्थ स्थान माने सुख का स्थान, माँ का स्थान, सुख का स्थान, भूमि भवन वाहन का स्थान। सो जहां सुख मिलता है सुख का स्थान कहा जाता है फोर्थ हाउस। अगर पंचम पीड़ित हो गया, स्वाभाविक हाथ है, लग्न से पंचम पेट का स्थान है, तो पेट ठीक, अष्टम ठीक। अब यहाँ नेचुरोपैथी और ज्योतिष को लगाया जाए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लगाया जाए, पंचम भाव हृदय का स्थान भी कहा गया है, ठीक है, और ऊपर स्टोमक लेवल का स्थान भी कहा गया। तो पंचम अगर किसी कारणवशात वो स्थान वीक है, दुर्बल है, तो नेचुरली देखा गया आदमी का हजम होने का, खाना को पचाने का ताकत कम रहता है, जिसके कारण ऑटोमेटिक अष्टम प्रॉब्लम देता है। तो समाधान क्या है? पंचम को ठीक करो, अष्टम अपने आप ठीक होगा। पंचम पूर्व जन्म का भी स्थान है, पूर्व जन्म पे अगर कोई गलत काम किया तो पंचम पे प्रेशर आ जाएगा। किसी किसी का पंचमस्त राहु या पंचम पे राहु सूर्य का ग्रहण दोष, या पंचम पे किसी कारण पे गुरु चांडाल बन रहा हो, या सूर्य शनि का योति बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति के जीवन पे बहुत सारा पीड़ा कष्ट आ जाता है। केंद्र स्थान है 159, और पंचम स्थान 159 का मध्य स्थान है, 159 का मध्य बिंदु है। वो चार केंद्र हो गया, तीन त्रिकोण हो गया, तो ये जो त्रिकोण है 159, और जो वो जो केंद्र है 1 4 7 10, ये कुंडली का बहुत माने रखने वाला स्थान है। एक तो लग्न है, सदा शुभ होगा ही होगा। चतुर्थ सुख स्थान है, सप्तम विवाह स्थान है, स्पाउस हाउस है, दशम कर्म स्थान है, और ठीक ऐसे ही एक लग्न स्थान है, पांचवा पंचम प्रमुख केंद्र है, नवम भाग्य स्थान है, पंचम ज्ञान, और वो जहाँ से पूर्व जन्म भी देखा जाता संतान का भी स्थान है। तो पंचम पीड़ित होने से संतान भी नहीं होता है, और ऐसे लोगों का जैसे आप बीमारी बोल रहे हो होना स्वाभाविक है। रेमेडीज क्या किया जा सकता है? तो पंचम को सोर्स कहाँ से मिल रहा है? एक से मिल रहा है। पंचम किसका चतुर्थ है? दूसरा का चतुर्थ है, वाणी स्थान का चतुर्थ है, मुख स्थान का चतुर्थ है, भोजन स्थान का चतुर्थ है, धन स्थान का चतुर्थ है।
दो तीन चार पाँच, दो से गिनती करोगे दो तीन चार पाँच, दूसरा का सुख स्थान पंचम। कैसे खाओगे ये पंचम ऐसा बनेगा। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरा स्थान पीड़ित हो रहा है, राहु बैठ गया या कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठ गया, जैसे बोलते हैं दूसरा स्थान पे मंगल बैठ जाए आदमी को दरिद्र बनाता है, क्योंकि दूसरा स्थान से मंगल का चतुर्दृष्ट चतुर्थ दृष्टि फोर्थ एस्पेक्ट, दो तीन चार, दो तीन चार पराक्रम और सुख स्थान पे उसे संतानहीन भी बनाता है, दो तीन चार पांच पे दुष्टि चला जाता है। तो ऐसे स्थान पे कोई बोलते हैं संतानहीन, कोई बोलते हैं संतान ऑपरेशन में होगा, कोई बोलते हैं क्योंकि इसका त्रिकोण पीड़ित हो गया। राहु बैठ गया और राहु अगर अच्छा फल दिए तो ठीक, गुरु गुरु का कहीं से एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा हो तो ऐसा व्यक्ति वाइन डाइन साइन पंचमकार में पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहला इस कंडीशन पे सबसे ज्यादा कारगर और बचाने वाला अगर कोई एनर्जी है तो सुबह उठते ही सूर्य को जलदान और हनुमान चालीसा का पाठ, कम से कम सत बार हनुमान पाठ कर जो ही छोटे दुख और सब वंदना ऐसा बताया गया। दूसरा ये कि ऐसा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पहला, सुबह उठ के गुनगुना पानी के साथ नींबू प्रेस करके एक नींबू आधा नींबू जितना क्षमता है उसको पी जाओ। पीने के बाद क्या करना है, वॉकिंग करना। कुछ देर के बाद देखोगे अष्टम स्थान एक्टिव हो जाएगा, पोटी लगने लगेगा। नहीं लग रहा है ठीक, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आसन शास्त्र में योगासन पे मार्जारासन सात प्रकार के आसन बताए गए जिसको किंग क्वीन आसन व मरकटासन कहा जाता है, मैं बता दूंगा। अगर उसको प्रैक्टिस करके फिर थोड़ा शवासन पे चले जाओगे तो होगा। ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा है, इफ अगर गोमूत्र का पान किया जाए एक कप शुद्ध देसी गाय का तो भी होगा। चौथा फॉर्मूला, गरम गुनगुना पानी के साथ रात को सोते समय त्रिफला चून एक से दो चम्मच, रात को ले के सोते हो तो तीन चार बजा नहीं होगा, अष्टम स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। जरूरत नहीं, पानी का शॉर्टेज अगर बॉडी में हो रहा है, अगर हम कम पानी पीते हैं, एक अच्छा बॉडी के लिए मिनिमम 5 लीटर पानी पर डे चाहिए, अगर नहीं पीते हो तो भी ये प्रॉब्लम देखने में आता है। जिनका 8-8 में राहु केतु एक्सिस पे आ जाए तो भी, या जिनका लग्न पे राहु और सप्तम पे केतु तो भी उनका कंस्टिपेशन प्रॉब्लम दिखने में आता है। इसको रिलीज करने के लिए सबसे बढ़िया है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। अगर कोई सिद्ध कर ले कम से कम 7.5 लाख 5 लाख जाप का टारगेट पार कर दे तो उसका इफेक्ट भी धीरे धीरे कम हो जाता है। पांचवा ये कि अगर किसी व्यक्ति का त्रिकोण पीड़ित होता है तो स्वाभाविक बात है कि उसके अंदर स्ट्रेस टेंशन जनरेट होगा। इस क्षेत्र पे योग निद्रा मेडिटेशन रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत कारगर रहता है।
दैट द अनदर स्टेप इज अगर रनिंग किया जाए तो भी इंटेस्टाइन का जो अनिक गति है वो मूवमेंट होने के कारण बावल साफ हो सकता है। ये कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं जो सरलता सहजता से उपयोग किया जा सकता है, और जो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का एडिक्टेड हो जाता है उसका तो कॉन्स्टिपेशन इस धरती में कोई नहीं रोक सकता। उसका समाधान है कि चाय के जगह में अगर तुलसी का काढ़ा, तुलसी चाय, हरिद्रा चाय, आंवला चाय, और हम लोग कुछ बनाते हैं इस प्रकार के करीब 42 टाइप ऑफ जड़ी बूटी मिला के एक चाय बनाते हैं, मसाला टी बोलते हैं, हर्बल मसाला टी बोलते हैं, वो खाली कॉन्स्टिपेशन को ही नहीं तो आपको बॉडी का जितना सारा जो न्यूट्रांट्स हैं और आवश्यक जो भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको सारा मेकअप करता है। और एक है धन्वंतरी ग्रीन ग्रास टी, ये भी बहुत उपयोगी होता है, तो इसको लिया जा सकता है। एंड द ओन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, नौ ग्रह का जो पत्ता का छाली और चेर पंचांग, केवल अकवान अर्क को छोड़ के, मंदाड़ को छोड़ के, जो जहरला है उसको छोड़ के बाकी जो आठ हैं, और अगर उसको लेना है तो बहुत कम मात्रा में माइक्रो लेवल पे, क्योंकि नौ ग्रहों का जड़ी बूटियों का उसको उबाल के पीना, लेकिन उसके लिए सही ज्योतिषी ज्ञान होना चाहिए कि मेरे अंदर कितना अमाउंट का कौन कौन सा लेना है, नहीं तो इसे नहीं करना चाहिए। और इसका नेगेटिव इफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो कारगर नहीं होता। ऐसे ही और 27 प्रकार के नक्षत्र जो पेड़ हैं उनका भी पंचांग मात्रा अलग अलग रहता है, कुछ उसमें भी जहरीले पेड़ पौधे हैं जिनको कि बहुत कम मात्रा में लिया जाता है। लेकिन जो विषकन्या योग में जन्म हुए होते हैं उनके लिए कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, उनके लिए तो शक्ति प्रदान करने वाला। ठीक है, तीसरा, अगर नक्षत्र पद के अनुसार जो वस्तु वृक्ष पक्षी को बताया गया, जिन शब्दों का, जिन जो बीज मंत्रों को जाप बताया गया, उसका जब भी तुम्हारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है उसको रेमेडी समाधान मिल जाता है, लेकिन वो कुंडली देख के विश्लेषण करके, कुंडली को बहुत अच्छा से प्रेडिक्शन करके फिर ये निर्णय किया जाता है कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना। आई थिंक अवर नो डाउट।